हेलो गाइस। तो कल मैं गई थी बाजार और मैंने वहाँ पे देखे ये बहुत ही छोटे छोटे से क्यूट क्यूट से क्यूकम्बर। और जैसा कि आप लोगों को सबको पता होगा, हम सब ने बचपन में बहुत सारे खाए हैं लोगों के खेतों से चुरा चुरा के। तो मैंने सोचा क्यों ना फिर से वही वाली टेस्ट, वही यादें ताज़ा की जाए। तो मैं बाज़ार से ले आई और मैंने इसमें से एक दो खा भी लिया है। और मैंने सोचा कि मैं इनसे बनाऊंगी रायता, जो कि बहुत ही बहुत ही बहुत ही यम्मी बनता है। तो मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे बनाऊंगी मैं रायता। बनाने के लिए सबसे पहले मैं लूंगी यहाँ पे कर्ड, ऑफ कोर्स मैंडेटरी आइटम। इसको मैंने थोड़ा सा फेट लिया था। एंड देन मैं इसमें ऐड करूंगी अनियंस, चॉप्ड अनियंस, जो कि रायते में बहुत टेस्टी लगते हैं, उसके फ्लेवर को काफ़ी इन्हांस कर देता है। मैं यहाँ पे बनाने जा रही हूँ क्यूकम्बर रायता। आजकल काफ़ी अच्छा लगता है खाने में एंड क्यूकम्बर्स होते हैं, तो मैंने इनको ग्रेट कर लिया था। थोड़ा सा ऐसे हिलाऊंगी, ओके। एंड यहाँ पे मैं सॉल्ट ऐड करूँगी, थोड़ा सा नॉर्मल सॉल्ट, थोड़ा सा बिल्कुल। और एक मेरे पास है फ्लेवर्ड सॉल्ट, जिसमें मैंने जिसको बनाने के लिए उसमें थोड़ा सा लहसुन, थोड़ा सा पुदीना और अदरक, ये सारी चीज़ें डाली हैं। और ये मेरा रायता बनके तैयार हो गया। यस, मैं इसमें ग्रीन चिलीज डालना भी भूल गई हूँ, तो वो मैं थोड़ी देर में, थोड़ा बाद में ऐड करूँगी। वो आप अपने हिसाब से डाल सकते हो, ज़्यादा या कम, जैसे आपको टेस्ट अच्छा लगता है। थैंक यू।